गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक करिंदर सिंह ने जनता दरबार लगाकर जनता की शिकायतें सुनी। गोवर्धन के ब्लॉक के सभागार कक्ष में शनिवार को भाजपा विधायक करिंदर सिंह की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया था। जनता दरबार में पुलिस से संबंधित आई शिकायतों के निस्तारण के लिए क्षेत्राधिकारी गोवर्धन जगदीश कालीरमन को विधायक ने निर्देश दिए। वहीं गोवर्धन ब्लॉक के निकट मुखिया कॉलोनी में जलभराव की समस्या को लेकर कॉलोनी के आधा दर्जन से अधिक महिलाओं और पुरुषों ने विधायक से जलभराव से निजात दिलाने की मांग की। कस्बा गोवर्धन की रहने वाली विकलांग महिला दुर्गेश खंडेलवाल ने विधायक से अपनी जमीन को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराने का आग्रह करते हुए शिकायत पत्र सौंपा। विधायक करिंदर सिंह ने विकलांग महिला को सोमवार तक न्याय दिलाने का आदेश क्षेत्राधिकारी जगदीश कालीरमन को दिया। कहाँ की रहने वाली हैं आप? किस कॉलोनी की? क्या मामला, किस लिए आए हैं ब्लॉक पे आज? कहाँ मुखिया कॉलोनी पानी भर रहा है? आज किससे मिले आप लोग? विधायक जी से। क्या कह रहे हैं विधायक जी? विधायक जी से शिकायत दी, कोई आश्वासन नहीं दिया? अरे 10-15 दिन पहले कह के गए, कुछ भी सुनाई ना आ रही है। विधायक जी सुनवाई नहीं कर रहे हैं आपने? कोई सुनाई ना आए हमारे यहाँ, तो बस इतनी इतनी सी रास्ता खाली है और पूरा पानी भरो का मामला। दुर्गेश कर लेगा। क्या मामला, किस लिए आप विधायक जी? मेरी जमीन पड़ी है भैया, 5 साल हो गए उसे। बाउंड्री भी ये SDM साहब आए, इन्होंने बड़ी हिम्मत करके बाउंड्री भी करा दी। बाउंड्री हुई फिर उसको तोड़ जाए। कौन लोग हैं जो तोड़ते हैं? वो सामने ही है, वो ठाकुर। किसी अधिकारी से मिले आप? अभी तो यहाँ विधायक जी के पास आए थे। क्या कह रहे हैं विधायक जी? सोमवार को काम करा देंगे। सीओ साहब ने भी कहा कि सोमवार को। क्या कह रहे हैं? सोमवार को बनवा देंगे। सोमवार बनवा देंगे? आपको लगता है कि सोमवार को बन जाएगा? अब पता नहीं, मेरा मैं तो किस पर विश्वास करूं? 5 साल के लिए मैं किस पर विश्वास करूं? किस पर विधायक जी, जनता दरबार लगाया है आपने, एक विकलांग महिला आई थी, करीब 5 साल से परेशान है, क्या उसको न्याय मिल पाएगा? निश्चित न्याय मिलेगा। अभी मैंने संबंध विभाग को, पुलिस को भी CO बैठे थे, उनको बता दिया है। अगर इनके पक्ष में कागज है, जमीन इनकी है, तो निश्चित है इनका वहाँ कब्जा दिलाया जाए, उसका निर्माण कराया जाए। ऐसा कुछ बताया है उसने महिला ने कि राजस्व की उसको नाप के भी आई है, लेकिन उसके बाद में पुलिस की मौजूदगी में ईट वीट फोड़ दी गई। अब पीछे क्या हुआ मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अब मैंने अभी बोल दिया है और तत्काल उसका निराकरण होगा। जनता ने जल भराव की समस्या से अवगत कराया आपको? जल भराव की समस्या है? जल भराव की समस्या काफ़ी आई, क्योंकि बरसाई इधर देवता अभी खुश रहे, काफ़ी वर्षा यहाँ हुई ब्रज में बहुत दिनों के बाद में, और जहाँ जहाँ भी दिक्कत है वहाँ पानी समस्या को निराकरण भी करा गया है, और जो रह गई है वहाँ भी बहुत जल्दी पानी निकालने की व्यवस्था की जाए। आपकी सरकार आते ही त्राय चौराहे पर जो उगाए जाने वाले ठेका वो बंद कराए गए थे, लेकिन गोवर्धन और राधाकुंड में अभी संचालित है, पुलिस की मौन स्वीकृति से उगाई की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? अगर ऐसा है, आपने मुझे डाला है पहले बंद, बिल्कुल हमने ये सब बंद करा दिए गए थे, पहले ऐसा नहीं था। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर ऐसे हुए तो मैं इसका संज्ञान लूँगा, और ऐसा नहीं हो ऐसे पूरी तरह से इस पर कार्रवाई की जाए। क्या इसमें पुलिस भी दोषी है? हाँ, अगर जानकारी तो होगी पुलिस भी, अगर पुलिस की जानकारी हो रहा है तो फेंका बिना किसी जानकारी तो हो ही नहीं सकता है। क्षेत्र में अगर पुलिस का कोई काम हो रहा है और ठीक है, ऐसा काम तो जाएगा, बिल्कुल वाई होती होगी तो समझ सामने सबकी जानकारी होना चाहिए। पुलिस ने कराया होगा, निश्चित में पूछूंगा, बात करूंगा, तो अगर हो रहा है तो निश्चित कार्रवाई की जाए, बंद कराया जाए।